आज हम लोग पढ़ते हैं भारत, क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर हम देखें एनवायरमेंटल क्लास में तो भारत भी अहम भूमिका हो जाती है कि भारत क्या पढ़ना है। क्योंकि जब हम सीटेट देते हैं तो जो सीटेट की परीक्षाएं होती है पूरे देश में आयोजित की जाती है, लगभग पूरे भारत के 92 शहरों में। तो उन 92 शहरों में कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिनकी विशेषता, जिनकी कल्चर, जिनकी संस्कृति, इन सभी के बारे में आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम भारत का एक छोटा सा परिचय लेते हैं, इसे इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया। जैसे आप खड़े होते हैं तो आपसे पूछा जाता है आपका परिचय क्या है। आप जिस दिन विद्यालय पहुंचते हैं उस दिन आपका परिचय पूछा जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई नया स्टूडेंट आपके क्लास में आता है तो पहले परिचय पूछते हैं, सब लोग अपना अपना परिचय दीजिए। उसी प्रकार आज हम लोग भी भारत का परिचय की एक कहानी सुनेंगे। कहानी आप सुनते रहिएगा और जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसे लिखते जाइएगा। कारण क्या है, मुझे इसे वास्तव में तो इसकी मुझे नोट्स बनवानी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर भी बाहर से पूरी तरह से इंट्रोडक्शन करते हुए अंदर की तरफ बढ़ूंगा और फिर धीरे धीरे आपको होमवर्क देता हुआ आगे की तरफ बढ़ता रहूंगा। आप भी पढ़ते रहिए और स्कोर करते रहिए, स्कोर माने और आगे बढ़ते रहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं भारत का, देखते हैं भारत का नाम क्या है। तो वास्तव में भारत का जो नाम है, यहाँ पे भी आप सब दिक्कत कर सकते हैं इसलिए मैं समय नहीं गवा के डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ कि जो भारत का नाम है वो भारत ही है। कुछ लोग कहते हैं इंडिया है, कुछ लोग कहते हैं हिंदुस्तान है, कुछ लोग कहते हैं आर्यावर्त है, क्योंकि नाम वही वैलिड होता है जो आपके मार्कशीट पे हो। आपका नाम कहाँ वही वैलिड होगा जो मार्कशीट पे हो। आपके 25 नाम रखे गए हो लेकिन वैलिड वही होता है जो आपकी मार्कशीट पर हो। तो संविधान की अनुच्छेद 1 में भाग 1 अनुच्छेद में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। ठीक, वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि हमारे देश का नाम क्या है, जो इंडिया था और क्या है भारत है। तो ये ध्यान लीजिएगा, हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम भारत है। यहाँ की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। क्या है, नई दिल्ली है। अब आते हैं भारत की बात करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। अगर हम ग्लोब में अगर भारत को खोजना चाहे तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध का। अगर बीच से एक रेखा गुजरती है इसे कहते हैं इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यह रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का देश भारत है। कहाँ का है, उत्तरी गोलार्ध, मतलब भारत की जगह। उसके दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत कौन सा, पूर्वी गोलार्ध का देश है। कैसा देश है, पूर्वी गोलार्ध। कहेंगे पूर्वी कब होता है, कब पश्चिम हो जाता है, ऐसा भी लगता होगा। देखिए मैप अगर हम लोग देखना शुरू करते हैं या मैप का अध्ययन शुरू करते हैं तो हमें दिशाओं का ज्ञान हो जाना चाहिए और आपको भी होना चाहिए और आपके बच्चों का। आपके बच्चों का तात्पर्य है आपके क्लास के बच्चों को। ठीक, ये हो जाएगा ईस्ट, माने ये पूर्व है दाएं हाथ पे, बाएं हाथ पे पश्चिम है, वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ठीक, अभी इसे भी डिवाइड, ये चार भागों में चार दिशाएं, इसे 90-90 इसका कोण है, इसे डिवाइड करके आधा कर देंगे अगर हम यहाँ से, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, हो जाएगा साउथ। ठीक, ठीक, तो ये हो गया छोटा सा दिशा का ज्ञान। इसी आधार पर हमने देखा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। समझ में आ गया आप लोग को। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। भारत का जो नामकरण हुआ था वह इंडस, इंडिया जो होता है इंडस नदी के पार होने की वजह से इंडस माने सिंधु नदी, अंग्रेजों ने इसका नामकरण इंडिया किया। ठीक, और आगे बढ़ा जाए। हाँ, भारत में वर्तमान समय में कुल 29 राज्य, वर्तमान समय कितने हैं, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य हैं, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नहीं पता आजकल दो दिन से मैं हमसे नहीं बोल रहा, कई दिन हो गया छोड़ी सी वजह से। क्या लिखे हम, क्या 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 लिखे हम लोगों ने, क्या क्या लिखा, सिर्फ प्रदेश है। भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 87
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है या किलोमीटर स्क्वायर। काम चलो भारत बन गया ठीक। हो गया चलिए क्या क्या देखा हम लोगों ने 32,287 किलोमीटर है यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का सातवां सबसे बड़ा देश है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का सातवां सबसे बड़ा देश है। पहले भी जानते हैं रशिया है ठीक। विश्व के कुल क्षेत्रफल का सातवां सबसे बड़ा देश है। अब देखेंगे भारत की अवस्थिति इसका देखेंगे अक्षांशीय विस्तार। जब अक्षांशीय विस्तार लिखेंगे तो ये हो गया 0 डिग्री। हमने क्या देखा कुछ देर पहले भारत कहाँ का कैसा देश है उत्तरी गोलार्ध का देश है यहाँ पे स्थित है। ये 0 डिग्री इधर आएंगे उत्तर आएगा 0 के बाद चलेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह आएंगे। तो भारत यहाँ से देखेंगे ये लिखेंगे भारत भारत की अवस्थिति फिर लिखेंगे अक्षांशीय अवस्थिति। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ है ये तमिलनाडु के नीचे कन्याकुमारी के पास से गुजरता है और ये जम्मू कश्मीर से ठीक ये सबसे ऊपर हिस्सा 37 डिग्री 6 मिनट ये कहाँ पे है इसका अक्षांशीय विस्तार और ये उत्तरी ये बता रहे भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है ठीक। ये बता रहे भारत कहाँ है उत्तरी गोलार्ध क्योंकि यहाँ पे लिखेगा यह उत्तरी अक्षांश। अब लिखेंगे इसका देशांतरी विस्तार। भारत का देशांतरी विस्तार जो है वह यहां से 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध है का मतलब भारत पूर्वोत्तर राज्य पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हाँ 25 मिनट 57 डिग्री 25 मिनट ठीक। अब फिर नीचे देखेंगे जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का सबसे दक्षिणतम ये तो मुख्य भूमि का हो गया। अब भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ है यहां से होकर गुजरता है यहां से गुजरता है क्या यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखेंगे भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह है 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित जो जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु क्या कहते हैं भारत जो दक्षिण बिंदु से क्या कहते हैं इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहते हैं यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है अवस्थित है स्थित है ठीक। वहां पर 2004 एक छोटा टीला गड़ा हुआ था इसका इंदिरा पॉइंट का 2004 में जब सुनामी आई तो भी क्या हो गया ढक गया ठीक। नहीं आ रहा चलिए ये हो गया। इसका पुराना नाम था पिग्मीनियन पॉइंट। इसका पुराना नाम क्या था पिग्मीनियन पॉइंट। क्या नाम था इसका इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम था पिग्मीनियन पॉइंट ठीक पिग्मीनियन पॉइंट। अब आते हैं भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जहां 37 डिग्री 6 मिनट रेखा पर गुजरती है उसे कहते हैं इंदिरा कौल। क्या कहते हैं? इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, स्थित है। इंदिरा कौल जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यही तो सबसे दक्षिण में। इंदिरा कॉल, ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है। क्या हुआ? उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु। अब आते हैं भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, कहां पे स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट। इसका नाम है गौर मोता। गौर मोता, कहेंगे गौर माता लिखा है, और सरक्रिक दो नाम इसके, कहीं कहीं गौरमोता मिलता है, कहीं सरकिक मिलता है। गौरमोता सरकिक भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात राज्य का पश्चिम में, या जो गुजरात राज्य में स्थित है, ये गुजरात है और यहीं भी अवस्थित है। गौरमोता या सरक्रिक भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यह पॉइंट जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम है वालांगू। वालांगू अथवा इसका एक नाम और इसका भी किवीथू। किवीथू वालांगू या किवीथू, ठीक, वालांगू या किवीथू, या अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हमने क्या क्या पढ़ा? भारत के चार बिंदु पड़े। दक्षिणतम बिंदु 86 डिग्री 4 मिनट कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट, जिसका पुराना नाम पिग्मेनियन पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में अवस्थित है। फिर पड़ा इंदिरा कौल। इंदिरा कौल क्या भारत के सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो 37 डिग्री 6 मिनट पर 37 डिग्री 6 मिनट जहाँ से होकर गुजरता है उसको क्या है? इंदिरा कौल, जम्मू कश्मीर राज्य में। फिर आते हैं भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु जो गुजरात राज्य में स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट, इसका नाम गौरमोता या सरक्रिक है, ठीक। फिर आगे आते हैं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु 57 डिग्री 25 मिनट, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से गुजरता है, इसका नाम किवीथू या वालांगू, ठीक, 57 डिग्री 25 मिनट। तो ये हो गया भारत की अवस्थिति, भारत यहाँ इसी के मध्य स्थित है, ठीक। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है, चल फिर आगे लिखिएगा। क्या क्या लिखा हम लोगों ने? भारत का क्षेत्रफल कुल भी लिखा था हम लोगों ने, कितना था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व की कुल क्षेत्रफल का 7वां सबसे बड़ा देश है। आगे लिखिएगा, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, लगभग 15,200 किलोमीटर है। कितना है देखिए? 15,200 किलोमीटर है, जो विश्व के 7 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, जो विश्व के 7 देश की सीमाओं को स्पर्श करता है, विश्व के 7 देश की सीमाओं को स्पर्श करता है। इसका ट्रिक लिख लीजिएगा, बचपन में बीए किया, ठीक, तो बस हो गया बांग्लादेश। यह भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगाता है 4,096.7 किलोमीटर। इसी जगह सीमा रेखा लंबाई लिखना होगा 4,096.7 किलोमीटर। फिर दूसरी सबसे बड़ी सीमा रेखा लगती है चीन की, फिर पाकिस्तान की, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से
भूटान, ए से अफगानिस्तान, इसकी सीमा सबसे छोटी है 106 किलोमीटर। हम लोगों ने क्या देखा, भारत की सात देशों की सीमा, भारत की सीमाएं 15,200 किलोमीटर है, स्थल सीमा की लंबाई है जो कुल सात देशों की सीमाओं का स्पर्श करती है। इसका हम लोग ट्रिक लिखा बचपन में, बीए किया, बस हो गया बांग्लादेश, चस हो गया चीन, बस हो गया पाकिस्तान, न से नेपाल, न से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान, किया का कोई मतलब नहीं। ठीक सुनाया, इसमें सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है, बांग्लादेश की 4,006.7 किलोमीटर, और सबसे छोटी जो सीमा रेखा है वो, ठीक, 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान की सीमा। ठीक, अब आगे क्या लिखना है, इन सात देश की सीमाएं, इन सात देशों की सीमाएं भारत के कुल 17 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है, इन सात देश की सीमाएं भारत के कुल 17 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है, इन सात देश की सीमाएं भारत के 17 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। आप उन 17 राज्यों के नाम लिखकर कल लाएंगे, कौन कौन से राज्य जिनकी सीमाएं स्पर्श करती हैं। ठीक, भारत कुल 7 राज्यों, 7 देश भारत के 17 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, कल आप हमें लिखकर लाएंगे सातों देश के नाम, उनकी सीमाएं भारत किन के राज्यों से लगती है। जैसे पाकिस्तान, अगर पूछे पाकिस्तान की सीमाएं किन राज्यों से लगती है, कहेंगे 4 राज्य, जैसे पंगू राज मैंने, प से पंजाब, ग से गुजरात, रस राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। ठीक, पंगुराज, ऐसे आप हर देश का बताएंगे किस देश की सीमाएं किन किन राज्यों से, याद करने का तरीका नहीं, कोई इतना याद करेगा भुला जाएगा ना, अब ऐसे याद है पंगुराज, प से पंजाब, ग से गुजरात, रस राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर, ये लगती है। ठीक है, ये हो गया जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये लगती है पाकिस्तान से। बांग्लादेश से कौन कौन देश की सीमा, बांग्लादेश से आप गए, यहाँ पे अफगानिस्तान है, चाइना है, भूटान है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है लंबा सा। ठीक, समझ आया, चलिए और आगे बढ़े। हाँ, क्या हुआ, अच्छा श्रीलंका का, सही सही, कुछ तो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, इतना आ रहा, धीरे धीरे आ जाएगा ना, हमको दो भी नहीं समझ में आ रहा श्रीलंका कहाँ है, आपको इतना समझ में आ रहा है, तब हम समझदार, हमको वो भी नहीं आ रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा, इन भारत के जो 7 देश की सीमाएं हैं ये 17 राज्यों को स्पर्श करती है, वह राज्य कौन से, उनके हमने नाम आपको जिक्र कर नहीं किया, हम कल लाएंगे। और पढ़ते फिर वापस इधर प्लेबैक वापस करते हैं, फिर यहाँ पे देखिए म्यांमार है, यहाँ भले उन 7 देश को अवस्थिति बताते हैं, देश मैप में कहाँ देखेंगे, इस स्थान पे मिलेगा पाकिस्तान, यहाँ पे मिलेगा अफगानिस्तान, यहाँ पे मिलेगा चाइना ऊपर, यहाँ पे मिलेगा बीच में नेपाल, ये देखिए सिक्किम निकला हुआ है, यहाँ पे आपको मिलेगा गोला सा भूटान, यहाँ मिलेगा म्यांमार, यहाँ मिलेगा बांग्लादेश। ठीक, चलिए और आगे लिखिएगा, इधर तो पानी है जानते ही है पूरा, इधर कौन सागर है, इधर तो अरब सागर है, अरब सागर, इधर है बंगाली खाड़ी, ये है बंगाली खाड़ी। ठीक, तो ये पश्चिम है, इसे ये पश्चिमी घाट हो गया ये। ठीक, तो अगर हम सीमा रेखा की बात करें, भारत की कुल समुद्र तट रेखा, बात लिख लीजिएगा, भारत की कुल समुद्र तट रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, 7,500 समुद्र सीमा या तट सीमा की लंबाई, कुल समुद्र तट सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें से
7516 किलोमीटर है, जिसमें 6100 किलोमीटर माने 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की लंबाई है। 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि कोष्टक में लिखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को छोड़कर। अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को छोड़कर कोष्टक क्लोज। देख लीजिए हमने क्या देखा, देखिए ये भारत था, भारत का परिचय उसी हिसाब से करेंगे जहां भी अभी इसके अंदर घुसेंगे तो बताएंगे सीटेड में कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। अभी हम लोग इतना ही पढ़ लेते हैं। क्या हमने पढ़ा, ये मुख्य भूमि क्या है, देखिए ये जो पूरा इसे कहते हैं मुख्य भूमि, इसके साथ साथ अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को सम्मिलित कर लेते हैं तो 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन जब केवल मुख्य भूमि की बात करते हैं तो यह अलग हिस्सा, यह हिस्सा, यह हिस्सा छोड़ देते हैं, केवल इसकी ही बात हम लोग करते हैं। ठीक, तो लिखिएगा आगे, भारत के पश्चिम के 5 राज्यों की सीमाएं समुद्र को स्पर्श करती हैं, या समुद्र तट, भारत के 5 पश्चिमी राज्य समुद्र तटीय हैं जो क्रमशः उत्तर से दक्षिण की तरफ, जो क्रमशः उत्तर से दक्षिण की तरफ तरफ गुजरात, देखिए ये गुजरात है ठीक, उसके नीचे ये गुजरात, फिर उसके नीचे स्टैंड यहां पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, फिर उसके नीचे छोटा सा पिद्दी सा गोवा है, फिर कर्नाटक, फिर केरल, मसालों की रानी, ये 5 राज्य हो गए पश्चिमी तट के। अब आते हैं पूर्वी तट, लिखेंगे दक्षिण से उत्तर की तरफ, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, दक्षिण से उत्तर की तरफ 4 राज्य क्रमशः, यहां पर तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश उसके ऊपर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये हो गए भारत के राज्य। अब बताएं आप लोग को कोई समस्या है आपके तो बताएं, समस्या नहीं तो भी बताएं, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए तो ये आज के लिए इतना ही, बाकी आप कल पढ़ेंगे इसके आगे कहानी, इसके बाद हम सीटेड प्रश्न बना के पढ़ना है। और आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क हमने दिया है, ये बताइए, अच्छा एक लाइन और लिख लीजिए, तब सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, राज्य गुजरात है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तथा सबसे छोटी सीमा रेखा वाला राज्य, समुद्र तटी सीमा रेखा वाला राज्य, समुद्र तटी सीमा रेखा वाला राज्य गोवा है। गोवा है, तो ये था बात का परिचय, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे बात का परिचय पार्ट टू, आज पढ़ लेते हैं पार्ट वन। आप लोग भी ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है,
क्योंकि यह तो भारत का परिचय जो हम लोगों ने पढ़ा, ये सीटेट के उद्देश्य से ही पढ़ा कि इससे ज्यादा बेहतर हम लोग कल देखेंगे, कल के बाद से एक बार पहले इसका परिचय ले लेते हैं, उसके बाद जब इसके अंदर पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे प्रश्नों को कैसे भरा जाता है। वैसे भारतीय कल्चर से प्रश्न पूछे गए हैं, कल्चर, व्यंजन, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, नृत्य, यही से प्रश्न अभी तक सीटेट में आए हैं। तो लेकिन उसको समझने से पहले हम उसकी भूमिका, उसकी रूपरेखा को जानना जरूरी था, इसलिए आज के संदर्भ में हमने भैच का परिचय पढ़ लिया। अब अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6306344367 पर आप ज्वाइन सीटेट लिख के मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी आपको कैसे ऐड करना है, और साथ ही साथ अगर आपने अभी टेलीग्राम ऐप पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश, बिना स्पेस दिए और आएगा इलर्निंग विद दुर्गेश, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ फेसबुक पे इलर्निंग विद दुर्गेश से वहाँ पे भी इसकी वीडियोज मिल जाएंगी, क्वेश्चन पेज मिल जाएंगे। तो आप भी फेसबुक यूजर हैं तो इलर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज, और टेलीग्राम में तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कल परसों आपको इसकी नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा, आप उसे घर पर कॉपी करके तैयार कर सकते हैं। फिर इसी के साथ इस वीडियो लिंक को आप अन्य साथियों तक शेयर कर दीजिएगा और पढ़ते रहिए, क्योंकि सीटेट में पढ़ने ज़्यादा समझना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको लिखवाते चल रहा हूँ ताकि आपको सुपर टेट और यूपी टेट में या अन्य स्टेट के टेट में समस्याएँ ना आए, फिर भी आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।